हेलो दोस्तों, दोस्तों क्या आपको पेंगुइन्स पसंद है? अगर हाँ तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। हालांकि ये एक यंग सिटी है, लेकिन खूबसूरती के मामले में ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक बीचेस मिलेंगे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि यहाँ के बीचेस को ब्लू फ्लैग दिया गया है। अब ये ब्लू फ्लैग क्या होता है हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं इस शहर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं दक्षिण अफ्रीका के एक बेहद ही खास शहर की सैर पर। नाम है कैप टाउन और ये है इस देश की कैपिटल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। चलिए एक्सप्लोर कराते हैं कैप टाउन को, लेकिन प्लीज उससे पहले कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों कैप टाउन दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल है। कैप टाउन दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर भी है। पॉपुलेशन 49,78,000 से कहीं ज्यादा है। वेस्टर्न कैप की राजधानी है और ये दक्षिण अफ्रीका का संसद भवन भी है। आपको बता दें दोस्तों कि साउथ अफ्रीका का ये शहर कैप टाउन घूमने का शौक रखने वालों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है। आपने अक्सर कई सेलिब्रिटीज को यहाँ पर घूमते फिरते बेहतरीन छुट्टी मनाते देखा होगा। दोस्तों कैप टाउन अपने खूबसूरत बीचेस और अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। ट्रेवलर्स के बीच ये खासा फेमस है। इसी के साथ आइकॉनिक टेबल माउंटेन से घिरा हुआ कैप टाउन मिलीजुली संस्कृति के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ आपको मौसम का उल्टा चक्र मिलेगा, मतलब यहाँ की सर्दियों के समय कैप टाउन में गर्मियाँ होती हैं और ऐसे में अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ घूमने का सबसे अच्छा मौका होता है। इस शहर में कई जगहों पर अफ्रीका पेंगुइन देखे जा सकते हैं और ये हर जगह से एनिमल लवर्स के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं। आप पेंगुइन के इर्द गिर्द घूम सकते हैं, खूबसूरत तस्वीरें ले सकते हैं। हालांकि इनकी जो जनसंख्या है वो लगातार घट रही है और ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। आप जब भी इन पेंगुइन्स के आसपास हों तो आप इन्हें परेशान करने से बचें और इन्हें थोड़ा सा अटेंशन दें, इरिटेट बिल्कुल ना करें। दोस्तों आपको पता है इस शहर में युवाओं की आबादी बहुत अधिक है। दक्षिण अफ्रीका में 22 मिलियन से ज्यादा लोग 0 से 19 साल की उम्र के हैं। इसमें से ज्यादातर युवा कैप टाउन में ही रहते हैं। इस शहर में औसत आयु 29 साल है। जी हाँ, यहाँ पर आपको यंग जनरेशन मिलेगी। इसी के साथ हमने आपको इंट्रो में बताया था कि यहाँ के खूबसूरत बीचेस को ब्लू फ्लैग दिया गया है। दरअसल अब आपको समझाते हैं कि आखिर ब्लू फ्लैग समुद्र तट होता क्या है। ब्लू फ्लैग स्टेटस है, एक ऐसा स्टेटस जो दुनिया के सबसे पर्यावरण अनुकूल समुद्र तटों को दिया जाता है, जो बेहद ही खास होते हैं। इसका मतलब यह है कि समुद्र तट पर उच्च गुणवत्ता वाला पानी है और यहाँ आने वाले लोग बेहद ही सुरक्षित हैं और इनको फैसिलिटीज भी अच्छी मिल रही हैं। आपको पता है कैप टाउन में इस लेवल वाले 8 से ज्यादा बीचेस हैं जहाँ पर आपको ये फैसिलिटीज मिलती हैं। इनमें कैप्स बे बीच, किफ्टन फोर्थ बीच, फिश हॉक बीच और भी बहुत सारे बीचेस शामिल हैं। यहाँ पानी इतना ज्यादा क्लियर होता है, क्लीन होता है कि इसको यूज करने से आपकी स्किन पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं आता। बहुत सारे मेजरमेंट हैं जिसको मापकर, जिनको देखकर इसको ये ब्लू फ्लैग दिया जाता है। यही कारण है कि कैप टाउन के समुद्र तट अच्छी तरह से विकसित हैं और हर साल हजारों पर्यटक इनको देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ कैप टाउन के बारे में जानकारी रखने वाले बहुत से लोग जानते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियों में से एक है। अन्य 2 प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन है। कैप टाउन मुख्य रूप से विधायी राजधानी है क्योंकि ये देश की संसद का घर जो है। दोस्तों आपको पता है कैप टाउन वाइन लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में अंगूर के बागों के माध्यम से कई वाइन का प्रोडक्शन हुआ। सबसे अच्छी बात यह है कि ये दक्षिण अफ्रीका के वाइन उद्योग को यूरोपियन उद्योग के बाद सबसे पुराना बनाता है। जी हाँ, दुनिया के सबसे लंबे वाइन रूट में से कैप टाउन भी मौजूद है। आपको पता है कैप टाउन LGBTQ के लिए सबसे बेहतरीन शहर कहा जाता है। कैप टाउन में इन समुदायों के लिए कई घर हैं, उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं, उनको नौकरियां दी गई हैं, समाज में वो बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाता। इसी के साथ ये जगह LGBT पर्यटन के जरिए भी काफी कमाई करती है।
कैप टाउन के बारे में एक दिलचस्प बात और है कि कई लोग इस शहर को अफ्रीका की समलैंगिक राजधानी भी कहते हैं। उसका कारण भी यही है। फरवरी और मार्च के बीच होने वाला कैप टाउन प्राइड फेस्टिवल दक्षिण अफ्रीका में हजारों पर्यटकों को अट्रैक्ट करता है। कैप टाउन अपने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास के कारण जाना जाता है और हाँ, दक्षिण अफ्रीका की ये माँ कहलाता है। कहा जाता है कि सभ्यता और संस्कृति का विकास और जन्म यहीं से हुआ। इस शहर को औपचारिक रूप से 1652 में बनाया गया और इसे ये काफी प्राचीन बनाता है। और हाँ, कई लोग ये दावा करते हैं इसकी सभ्यता और संस्कृति देखकर कि ये सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की नहीं बल्कि दुनिया की राजधानी है। और तभी तो यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। और हाँ, एक बात और, ये टूरिस्ट यहाँ पर बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। यहाँ आकर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ एक्सप्लोर करते हैं। तो वो कहाँ कहाँ जाते हैं, आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, चलिए आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों, कैप टाउन आए और टेबल माउंटेन ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कैप टाउन और आसपास के इलाकों का मनमोहक अगर आपको नजारा देखना है तो यहाँ चले आइए। जी हाँ, ये 1086 मीटर ऊंचा है और इसके ऊपर चढ़कर आप खास नजारे देख सकते हैं और एक अलग ही एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सुरम्य दृश्यों को देख पाएंगे अगर इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। शिखर तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है केबल वे के माध्यम से, जिसमें घूमने वाले केबिन है ताकि आप आसपास के खूबसूरत दृश्यों को भी देख लें। आप यहां पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अगर आप किसी अनकंफर्टेबिलिटी से बचना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट बुक कर लें। इसके अलावा आप दोपहर में अपने केबल टूर की योजना बना सकते हैं, क्योंकि उस समय लोगों की संख्या थोड़ा कम होती है। घने जंगलों में विदेशी वन्य जीवों का पता लगाने के लिए ये केबल स्टेशन परफेक्ट है। हाइट से इसका अपना ही मजा है। दोस्तों, अगर आप पेंगुइन देखने का शौक रखते हैं तो बोल्डर्स बीच आ जाइए। कैप टाउन में घूमने लायक जगहों की ये सूची बहुत ही खास है। गोल्डन बीच का जिक्र किए बिना ये यात्रा आपकी अधूरी है, जहां आप तैर सकते हैं और 2000 से ज्यादा अफ्रीकी पेंगुइन के साथ बीच पर समय बिता सकते हैं। इन पेंगुइन का दूसरा नाम जैकस है। जी हाँ, क्योंकि उनकी आवाज आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। ये एक आसानी से और बहुत ही खूबसूरती से देखे जाने वाला जीव है। भले ही आप सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो, व्हील चेयर पर हो या अपने पैरों पर हो, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। दोस्तों, आप जा सकते हैं विक्टोरिया और अल्फ्रेंड वाटरफ्रंट। ये एक अट्रैक्टिव प्लेस है। कैप टाउन में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से विक्टोरिया और अल्फ्रेंड वाटरफ्रंट, अटलांटिक महासागर, टेबल माउंटेन और टेबल बे के नजारों से खूबसूरती से सजाई गई ये जगह। ये शहर का एक चहल पहल वाला स्थान है, जिसका नाम एक अंग्रेज रानी और उसके बेटे के नाम पर रखा गया, क्योंकि उन्होंने 1860 में बैकवाटर के लिए आधारशिला दान दी थी। यहाँ घूमते समय आप बहुत कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर आए तो नाइट लाइफ को भी जरूर इंजॉय कीजिएगा। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ तो बहुत कुछ है। इसी के साथ आप यहाँ बहुत सारे लाइव शोज भी देख सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आप यहाँ खूब मस्ती कर सकते हैं। दोस्तों, ये है किस्टन बोश। फूलों की सैर के लिए ये जगह है। जी हाँ, अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो ये जगह परफेक्ट है। 1930 में इसे बनाया गया। किस्टन बोश एक विश्व मान्यता प्राप्त वनस्पति उद्यान है, जो दक्षिण अफ्रीका के मूल पौधों पर केंद्रित है। यहाँ के पौधे केवल कैप क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में उगते हैं। टेबल माउंटेन के दृश्य के साथ पैदल यात्रियों के लिए एक दिलचस्प मार्ग है ये। इसी के साथ आसपास के नजारे देखने लायक हैं। दोस्तों, ये है केप पॉइंट। केप पॉइंट केप टाउन के प्रमुख अट्रैक्टिव प्लेसेस में से एक। प्रायद्वीप के किनारे पर स्थित ये जगह उभरी हुई चट्टान है। लुभावने समुद्र के नजारे आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। केप पॉइंट सिर्फ नजारों के लिए ही नहीं बल्कि 250 पक्षी की प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। पक्षियों को देखने के शानदार अनुभव के साथ आप यहां पर जेब्रा और बबून भी देख सकते हैं। इस क्षेत्र की समृद्ध वनस्पतियां भी आपको अट्रैक्ट करेंगी। अगर आप आराम पसंद हैं, तो यहां थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा। काफी सुकून मिलता है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आप यहां समय बिता सकते हैं। दोस्तों, दिस इज कैसल ऑफ गुड होप। कैसल ऑफ गुड होप वास्तव में दक्षिण अफ्रीका में बची हुई सबसे पुरानी इमारत है। 1666 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसे बनाया गया। इसका यूज उस युग में जहाज की आपूर्ति को फिर से भरने के लिए किया जाता था। संग्रहालयों में इसे बदल दिया गया है।
केप टाउन के इंजिको संग्रहालय और कैसल मिलिट्री संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। केप के इतिहास और कला के बारे में आपको यहाँ जानकारी मिलती है। यहाँ पर आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आ सकते हैं। बहुत सारे शोज भी होते हैं जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रंगों से प्यार है तो एक बार बोकाप जरूर होके आइएगा। मॉलर क्वार्टर के नाम से मशहूर बोकाप केप टाउन में देखने लायक रंगीन जगहों में से एक है। चमकदार रंग बिरंगी इमारतें और पत्थर से बनी सड़कों के साथ ये जगह आपको बहुत सुंदर लगेगी। आपको यहाँ मुस्लिम दरगाहें मिलेंगी। इस इलाके की कुछ इमारतें 18वीं सदी की हैं और म्यूजियम में 19वीं सदी के फर्नीचर दिखते हैं जिसका इस्तेमाल उस दौर के केप टाउन के घरों में किया जाता था, जिसे बहुत ही सहेज कर रखा गया है। यानी ये जगह हिस्ट्री भी दिखाती है। दोस्तों, अगर आप बीचेस से प्यार करते हैं तो यहाँ पर कुछ शानदार बीचेस भी हैं, जैसे किफ्टन बीच और म्यूजिनबर्ग बीच, एक बेहद ही रंगीन बीच और बेहद ही खास, कल्पनाओं से बिल्कुल परे। इन दोनों बीचेस पर आप जा सकते हैं। किफ्टन की तुलना में एक गर्म समुद्र तट आपको यहाँ मिलेगा। यदि आप कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हैं, वाटर गेम्स करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। इसी के साथ ये जगह आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। समय हो तो जरूर कुछ समय बिताइएगा। आई होप केप टाउन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।